लेट्स गो। सो रेगुलर बैच के लिए थोड़ा सा रिपीट होगा, एक ही क्वेश्चन, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे लिए प्लीज, ठीक है? ओके, जो लोग क्वेश्चन एंड डिस्कशन का वीडियो ये देख रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन एंड डिस्कशन के लिए, इस सेशन में हम सेक्शन नंबर 164, सेक्शन नंबर 167, सेक्शन नंबर 149, सबसेक्शन 1 से लेके 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोड़ के, और सेक्शन नंबर 165 इसके क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 93 से। पेज नंबर को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, आप क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आगे बढ़िएगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर ही आपको गाइड करेगा, पेज नंबर अलग थलग हो सकते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? डिपेंडिंग ऑन कौन से अटेम्प्ट के लिए आप इसको रेफर कर रहे हो, ठीक है? लेट्स गो। सो क्वेश्चन नंबर 93 नवंबर 16 का सवाल है, सेक्शन नंबर 164 का। आइए, स्टेट विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, रेगुलर बैच वालों के लिए थोड़ा रिपीट है, जस्ट देख लेना, ऑफ 2013, वेदर फॉलोइंग पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मिस्टर एल हु वाज नॉट पेड एनी कॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय हिम एंड 5 मंथ्स हैज पास्ड फ्रॉम द लास्ट डे फिक्स फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल। अब अगर सबको पता होगा तो सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ में लिखा है कि ड्यू डेट से 6 मंथ्स जाना जरूरी है और यहां सिर्फ 5 मंथ्स गए हैं। तो यहां पे मैं सबसे पहले 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ कोट करूंगा, 6 मंथ्स का टाइम लिमिट कोट करूंगा, अलोन या जॉइंटली कोट करूंगा, और फिर यहां लिखूंगा कि सिर्फ 5 महीने लैप्स हुए हैं। देखो, सिर्फ 5 मंथ्स हैज बीन लैप्स हेल्ड बाय हिम, 5 मंथ्स हैज बीन पास्ड। सिंस ओनली 5 मंथ्स हैज बीन पास्ड, तो क्या मिस्टर एल ये क्वालिफाइड है या डिस्क्वालिफाइड है? बोलो, क्वालिफाइड है या डिस्क्वालिफाइड है? तो मिस्टर एल इज अ क्वालिफाइड पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, ठीक है? ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरे सवाल पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। स्टेट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वेदर द फॉलोइंग पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मिस्टर जी इज अ डायरेक्टर ऑफ एलडीटी लिमिटेड हु हैज नॉट फाइल्ड द कंपनी एनुअल रिटर्न पर्टेनिंग टू द एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड इन अ कैलेंडर ईयर 2014-15 एंड 2016। तो बोला गया है जी इज अ डायरेक्टर ऑफ एलडीटी लिमिटेड नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न पर्टेनिंग टू एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड इन 2014-15-16, मतलब 3 साल के एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा? यस, सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ए। आप किसी भी एक चीज में 3 साल कंटिन्यूअस डिफॉल्ट करते हो तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन लगता है, पर डिस्क्वालिफिकेशन किस नेचर का है? डिस्क्वालिफिकेशन है कि डिफॉल्टिंग कंपनी छोड़ के बाकी सब कंपनीज में वैकेशन करना पड़ेगा और नए कंपनीज में 5 साल तक के अपॉइंट नहीं हो सकते, एग्जिस्टिंग कंपनी में 5 साल तक रीअपॉइंट नहीं हो सकते। तो नीचे, अकॉर्डिंग टू 152 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, अ कंपनी नो पर्सन शॉल बी अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर और अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर reappointed or appointed as a director of a company for 5 years from the date of fail company fails to do so. Pursuant to subsection 167(1)(a) the Companies Act, any director who incurs a disqualification under 164(1)(2) needs to vacate office immediately from all companies in which he is a director. However, he can continue in his office of defaulting company. Defaulting company mein continue kar sakta hai. Further, he cannot be reappointed or appointed for how many years? Bole ek bar, 5 years. In the present case, Mr. G is a director of LDT Limited who has failed to file a annual return pertaining to 14, 15, and 16. It means LDT Limited has not filed annual returns for continuous period of 3 financial years, that is 13, 14, 14, 15, 15, 16. Financial year बोलना भी जरूरी है because AGM के dates mention किए हैं. So अगर 2014 में AGM हो रही है, वो financial year 13, 14 की होगी. 15 में AGM हो रही है, तो 14, 15 की होगी. 16 में AGM हो रही है, तो 15, 16 की होगी. Hence, Mr. G, who is a director of LDT Limited, cannot be appointed as a director of any other company. As per section 167, G can continue as a director in LDT Limited, but he shall vacate the office from all other companies. ये चीज हमको समझना जरूरी है। साथ में सजेशन में मैंने ई-फॉर्म देके रखे हैं। अब सभी ई-फॉर्म आपको देना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के कंसेप्चुअली देके रखे हैं। पहले तो यहां साइड में लिख के रखिए, ऑल ई-फॉर्म्स आर नॉट नेसेसरी टू बी रिटन, ऑल ई-फॉर्म्स नॉट कंपल्सरी, और अगर आप लिखते भी हो तो शॉर्ट में लिखना, मैंने जानबूझकर डिस्क्रिप्शन में दिया है सो दैट आप बार बार पढ़े तो आपको याद रहे ये सजेशन लिखना है, ठीक है? ऑल ई फॉर्म आर नॉट कंपल्सरी और राइट इन शॉर्ट, राइट इन शॉर्ट। इसके अंदर DIR 8 फाइल कर सकता है कौन? मिस्टर जी कहां फाइल कर सकता है? न्यू अपॉइंटमेंट में डिक्लेरेशन के लिए DIR 9 कंपनी फाइल करेगी बिकॉज 164(2)(a) का डिस्क्वालिफिकेशन है। DIR 10 मिस्टर जी फाइल कर सकता है अगर उसकी गलती नहीं है और उसको रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो,
क्लियर है। DR12 भी मैं यहां पे लिखने वाला था लेकिन मैंने उसको अवॉइड किया। अगर आप वैकेशन नहीं करते हो तो 167 की पेनल्टी भी आप सजेशन में लिख सकते हो जो काफी रिलेवेंट है, 1 लाख से 5 लाख और जेल अप टू 1 ईयर। अब तो आप देख सकते हो यहां पे मेरा आंसर खत्म हुआ था, पर अगर आप सजेशन जैसा कंटेंट लिखते हो ई फॉर्म वगैरह, इससे एक्स्ट्रा इंप्रेशन पड़ेगा, ऑटोमेटिकली पर क्वेश्चन आपको हाफ हाफ मार्क वो ज्यादा देना शुरू करेगा, क्योंकि ये कोई नहीं लिखने वाला, ये कोई नहीं लिखने वाला सजेशन। क्लियर कंसेप्ट, ये चीज को याद रखना। अगले चीज के ऊपर जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर है 95। प्रैक्टिस मैनुअल में May 13 में RTP 14 में 3 बार पूछा गया है, ठीक है आ जाइए। मिस्टर किशोर इज अ डायरेक्टर ऑफ एबी लिमिटेड एंड पीक्यू लिमिटेड। एबी लिमिटेड डिड नॉट फाइल अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ ईयर एंडेड 31 मार्च 2010-11-12। खत्म बात, 3 साल के लिए फाइल नहीं किया, मतलब गए। एबी लिमिटेड नॉट पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से आप डिस्क्वालीफाई होते हो? नहीं। सो इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में मैं लिख के रखूंगा नॉट डिस्क्वालीफाइड। क्लियर है? टेकन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नहीं। डिबेंचर, डिपॉजिट्स और डिविडेंड, बस ये 3 चीज और उसके इंटरेस्ट के लिए। एंड ऑल्सो फेल टू रिपे द मैच्योर डिपॉजिट्स, देखो मैच्योर डिपॉजिट्स बोला है। टेकन फ्रॉम अ पब्लिक ऑन ड्यू डेट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 ऑनवर्ड्स, मतलब ड्यू डेट था 1 अप्रैल 2013, वहां से लेके अभी तक पे नहीं किया, तो डिस्क्वालिफिकेशन तो है ही। अब हालांकि इन्होंने डेट मेंशन नहीं किया कि कौन से दिन पे हम खड़े हैं, बट आगे आएगा, डोंट वरी, फिलहाल बोला नहीं है। आंसर द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ रिलेवेंट प्रोविजन, वेदर मिस्टर किशोर इज डिस्क्वालीफाइड अंडर कंपनीज एक्ट, यस, दोनों के लिए, डिपॉजिट के लिए भी डिस्क्वालीफाइड है, एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न के लिए भी। वेदर ही कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर ऑफ एबी लिमिटेड एंड कैन ऑल्सो सीक अ रीअपॉइंटमेंट व्हेन ही रिटायर्स बाय रोटेशन, तो रीअपॉइंटमेंट भी पूछा है, तो रीअपॉइंटमेंट 5 साल तक नहीं हो सकता। क्लियर है? रिटायर बाय रोटेशन छोड़ दीजिए, यह सेक्शन अभी तक हमने नहीं देखा है, ठीक है। एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ पीक्यू लिमिटेड, पीक्यू लिमिटेड में भी उसको रीअपॉइंट होने की इच्छा है, क्या वो हो सकता है? नहीं। मिस्टर किशोर इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड इन सितंबर 2014, मतलब 2013 अप्रैल से लेकर सितंबर 14, मतलब 1.5 साल से ज्यादा होते आ रहा है। क्लियर आंसर भी, अब 1.5 साल होते आ रहा है जब से आपने डिपॉजिट रिपे नहीं किया, तो आप इसके लिए भी डिफॉल्टेड हो। मिस्टर किशोर इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ XY लिमिटेड, एडिशनल डायरेक्टर बनाना है उसको XY लिमिटेड का इन जून 2014, इज ही एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड एडिशनल डायरेक्टर अंडर XY लिमिटेड, तो आंसर है मेरा नहीं, वो एलिजिबल नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। तो यहां पर आपको क्या क्या कोट करना है, 164 सबसेक्शन 2 पूरा कोट करना पड़ेगा। देखिए 164 मैंने कोट किया, 167 1 ए भी मैं साथ में कोट करूंगा बिकॉज वैकेशन लिखना जरूरी है डिफॉल्टिंग कंपनी का। फिर मैंने 164 2 का कोट कर दिया दोनों प्रोविजन, ये पहले डिस्क्वालिफिकेशन किस नेचर का है वो मैंने कोट किया। डिस्क्वालिफिकेशन का नेचर का है जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स के लिए। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है। यहां डिपॉजिट के लिए सबसेक्शन 2 मेंशन नहीं किया है, पर रादर हां मेंशन किया है ना, पे एनी डिविडेंड और इंटरेस्ट, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट, सब एक ही पॉइंट में ले लिया है। क्लियर है कंसेप्ट? क्लॉज ए और बी, अगर आप चाहो तो इसको सेपरेट भी कर सकते हो, यह है क्लॉज ए, इधर इज क्लॉज नंबर बी है, तो यू कैन सेपरेट इट। सो मैं लिख के रखूंगा सेपरेट द सेम। क्लियर आंसर? एनी डायरेक्टर हु इनकर्स अ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164(1)(2) नीड्स टू वैकेट द ऑफिस इमीडिएटली फ्रॉम ऑल द कंपनीज इन विच ही इज अ डायरेक्टर, बट ही कैन कंटिन्यू एज ऑफिस इन द डिफॉल्टिंग कंपनी, पर 5 साल के लिए ना ही अपॉइंटमेंट हो सकता है ना ही रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। नीचे आंसर आपने उस हिसाब से कंक्लूड करना है। आंसर थोड़ा लॉन्ग दिया है विथ ई फॉर्म्स, मैं चाहूंगा एक बार रीड करके देखिए, गो फॉर इट फास्ट। और क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क करना चाहूंगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन ऐसा बड़ा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, ये नॉर्मली छोड़ने नहीं चाहिए। सो विल स्टार मार्क द सेम, ठीक है, हम इसको मार्क करके रखेंगे, गो फॉर इट फास्ट। एक बार रीड कर लीजिए आंसर।
चलो डन बेटा। ओके अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 96, प्रैक्टिस मैनुअल आरटीपी का सवाल है। स्टेट विद रेफरेंस टू द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेदर फॉलोइंग पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। अब जब भी आप ऐसा सवाल देखो बच्चों, मैं टिप देना चाहूंगा सबको बड़े अच्छे से ध्यान, वेन एवर यू सी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन तो ऐसे सिचुएशन में अवॉइड फॉर्मेट, फॉर्मेट में आंसर नहीं लिखना है। ऐसे सवालों के जवाब आपने पॉइंट वाइज लिखना है, जैसे पॉइंट वन में जो केस डिस्कस किया है उसकी प्रोविजन और उसका आंसर। सो पॉइंट वन में पॉइंट वन का क्वेश्चन का प्रोविजन और उसी का आंसर, क्लियर है? फिर पॉइंट टू में पॉइंट टू का क्वेश्चन उसका आंसर, पॉइंट थ्री में पॉइंट थ्री का क्वेश्चन उसका आंसर। सो प्रोविजन आंसर, प्रोविजन आंसर, ये फॉर्मेट फॉलो करना है, अदरवाइज आपका फॉर्मेट लंबा हो जाएगा और आपका समय ज्यादा जाया चला जाएगा। तो जब किसी भी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं सीधा कि भाई चार पांच क्वेश्चन एक साथ पूछे, तो फॉर्मेट नहीं फॉलो करना है, स्ट्रेट अवे पॉइंट लेना, प्रोविजन आंसर, प्रोविजन आंसर, प्रोविजन आंसर, जितना शॉर्ट हो सके उतना। हालांकि नीचे अगर आप देखो तो मैंने उसी हिसाब से आंसर देने की कोशिश की है और एंड में सिर्फ मैंने एक काम किया है, मैंने सजेशन दिया है, ठीक है, जो आप भी दे सकते हो, ठीक है। सो आ जाइए, ये चीज को याद रखना। मिस्टर ए हु हैज अ ह्यूज पर्सनल लाइबिलिटीज फार इन एक्सेस ऑफ हिज असेट एंड प्रॉपर्टीज हैज अप्लाइड टू द कोर्ट फॉर एडजुडिकेटिंग हैज हिम एज इंसॉल्वेंट। ही हैज अप्लाइड टू कोर्ट, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो बच्चों 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में। सी खुद ही अप्लाई कर रहा है तो सी है ना, सी, यस ना। आगे फिर मिस्टर बी हु हैज बीन कॉट रेड हैंडेड इन शॉपलिफ्टिंग केस 2 years एगो वॉज कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट एंड सेंटेंस टू इंप्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 8 weeks। देखो कितना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, 8 weeks बोला है, मंथ्स नहीं बोला है। बच्चे आधे मंथ्स पढ़ के जाएंगे, डिस्क्वालीफाई करेंगे। 8 weeks का मतलब होता है 2 महीने सिर्फ, क्लियर है? नॉर्मली 1 महीने में 4 weeks होते हैं, तो ये सिर्फ 2 months है बेटा। तो आप यहां पर क्वालिफाइड हो बच्चों, यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, यू आर क्वालिफाइड। मिस्टर सी A former bank executive was convicted by court 8 years ago for embezzlement of the funds and sentenced to imprisonment for a period of 1 year. अब ये हुई कुछ बात, ठीक है? तो इसके अंदर आप disqualified हो 164 subsection 1 clause D, dangerous disqualification. फिर Mr. D is a director of DLT Limited which is not filed its annual returns pertaining to the annual general meeting held in current year. ये तो repeat हो रहा है ना, last वाला, ये तो हमने already देखा है, ठीक है? 11, 12, 13 में उसने एनुअल मीटिंग में फाइल नहीं किए, तो इसी कंपनी में कंटिन्यू कर सकता है, बाकी सबसे वैकेट करना पड़ेगा, पर वो डिस्क्वालीफाइड जरूर है 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना, इसके अंदर वो डिस्क्वालीफाइड है, क्लियर है? अब इसका आंसर भी नीचे देखो, मैंने पॉइंट वाइज किस तरीके से दिया है, प्रोविजन आंसर, प्रोविजन आंसर। ऑथर सजेस्ट दैट, नोट भी लिखा है, ऑथर सजेस्ट दैट आंसर टू सच अ क्वेश्चन शैल बी गिवन ऑन द केस टू केस बेसिस विदाउट फॉलोइंग यूजुअल फॉर्मेट ऑफ द आंसरिंग। इट विल बी इजी टू आइडेंटिफाई द आंसर एंड अलॉकेट द मार्क्स ऑन द केस टू केस बेसिस, ठीक है? पहले लेकिन मैंने सेक्शन भी मेंशन किया है, रिलेवेंट सेक्शन 164(1)(c), ठीक है, जिसके अंदर मैंने बोला है और जहां मैंने आंसर दिया है, मिस्टर ए कैनॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद में 164(1)(d) और इसमें सिर्फ 8 weeks का है, सो यहां मैं बोल सकता हूं लेस देन 6 months, हेंस मिस्टर बी डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन एंड कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। क्लियर है? पहले प्रोविजन एक्सप्लेन किया, इमीडिएटली आंसर। तीसरा देखो 164(1)(d) स्टेटेड इन पॉइंट नंबर 2, तो ऐसे सिचुएशन में देखो 6 months का इंप्रिजनमेंट चाहिए और यहां पे और 5 years का डिस्क्वालिफिकेशन है, इज नो लॉन्गर डिस्क्वालिफाइड एंड कैन बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ये कब हुआ था? 8 साल पहले हुआ था, ये 8 साल पहले हुआ था। देखिए क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है बच्चों, दिस हैज हैपेंड 8 years एगो, राइट? देखो क्वेश्चन का ये पोर्शन 8 years एगो हुआ था, मतलब 1 साल की जेल 8 साल पहले हुई थी, तो 1 साल की जेल प्लस 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब 6 साल हो चुके, 6 साल का ही सिचुएशन था, डिस्क्वालिफिकेशन था, यहां तो 8 साल हो गए, तो वो डिस्क्वालिफाइड है 164(1)(d) में, पर अभी है क्या? नहीं, अभी ही इज क्वालिफाइड। इसलिए देखो यहां पे लिख के रखा है उन्होंने कि नो लॉन्गर डिस्क्वालिफाइड, नो लॉन्गर डिस्क्वालिफाइड मतलब अभी वो क्वालिफाइड है। फिर उसके बाद में डीएलटी लिमिटेड में, तो वहां पे लिखा है एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स 3 साल तक फाइल नहीं करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप डिफॉल्टिंग हो जाओगे 5 ईयर्स के लिए, क्लियर है? सो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया है तो वो डायरेक्टर बन नहीं सकता। फिर मैंने सेम कुछ सजेशन DR8, DR9, DR10, आप चाहो तो 12 भी दे सकते हो, साथ में 167 का वैकेशन ऑफ ऑफिस का सजेशन मेंशन करना ना भूलिएगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना। चलो अगला क्वेश्चन है 97। मिस्टर जॉन इज अ डायरेक्टर ऑफ MNC लिमिटेड विच हैड एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। MNC लिमिटेड का डायरेक्टर है,
एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम किससे? पब्लिक. द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एमएनसी लिमिटेड टर्नड वेरी बैड एंड इट फेल्ड टू रिपे डिपॉजिट, फेल्ड टू रिपे डिपॉजिट विच फेल्ड ड्यू फॉर द पेमेंट ऑन 10 अप्रैल 2017 एंड सच रिपेमेंट हैज नॉट बीन मेड टिल 5th मई 2018. 10 अप्रैल से 15 में, मतलब एक साल से ज्यादा हो चुका है. ठीक है, सो क्या ये यहां पे डिस्क्वालिफाइड है? यस, 164 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी में दे आर डिस्क्वालिफाइड. अनदर कंपनी जेके लिमिटेड वांट टू अपॉइंट मिस्टर जॉन एज इज डायरेक्टर, अपॉइंट कर सकते हैं इन एजीएम टू बी हेल्ड ऑन 6th मई 2018. नहीं कर सकते, डिस्क्वालिफाइड है. यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. ठीक है, इजी क्वेश्चन. आप सिर्फ 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्लॉज बी मेंशन करो. हालांकि सिर्फ बी मेंशन किया तो भी चलेगा, यहां मैंने दोनों मेंशन करके रखे हैं, तो मैं लिखना चाहूंगा मेंशन ओनली क्लॉज बी. ठीक है, फिर उसके बाद में उसका आंसर कंक्लूड किया है. हालांकि मैंने यहां सजेशन नहीं डाला, आप डाल सकते हो सजेशन, लिख के रखिए DIR 8 9 10. कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ ना. फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन ही इतना लंबा चौड़ा है. आ जाइए. मिस्टर रामनाथन इज अ डायरेक्टर ऑफ द फ्रॉडुलेंट लिमिटेड, ऑनेस्ट लिमिटेड एंड रेगुलर लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st मार्च 2014. तीन कंपनी में डायरेक्टर था, फ्रॉडुलेंट, ऑनेस्ट एंड रेगुलर लिमिटेड. तीन कंपनी में डायरेक्टर था मिस्टर रामनाथ. टू इरेगुलरिटीज वेर डिस्कस अगेंस्ट द फ्रॉडुलेंट लिमिटेड. फ्रॉडुलेंट लिमिटेड में ही दो हरकतें हुई, बोले नाम ही फ्रॉडुलेंट है तो हरकतें तो होगी. Did not file the financial statement for the year 31st March 2014 and failed to repay interest on loan. एक ही साल का failure है, एक ही साल का failure है. क्या आप disqualified हो? बिल्कुल नहीं. Interest on loan से भी disqualify होने होते और financial statement से भी disqualify होते. हमको debenture, deposit, dividend का disqualification चाहिए बच्चों. On 1st June 2015, Ravnath is proposed to be appointed as an additional director in Goodwill Limited. हो सकता है qualified है बेटा. ठीक है, विच कंपनी हैज सॉट अ डिक्लेरेशन फ्रॉम रामनाथन एंड ही हैज टू सबमिट द डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज नॉट अट्रैक्टेड इन दिस केस. डिसाइड अंडर वेदर द डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय रामनाथ इज इन ऑर्डर. यस, और ये डिक्लेरेशन हम कौन से सेक्शन में फाइल करते हैं? 152 सबसेक्शन 4, फॉर्म नंबर कौन सा है? DIR 8. ठीक है, DIR 8 इसमें मेंशन करना मत भूलिएगा. वेदर रामनाथ कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर ऑफ ऑनेस्ट एंड रेगुलर लिमिटेड. यस, कोई दिक्कत नहीं. क्लियर है? तो मैंने पहले प्रोविजन मेंशन करके रख दिया, फिर उसके बाद में क्लॉज मेंशन करके रख दिए ए और बी. ठीक है, फिर उसके बाद में एनुअल अकाउंट्स एंडेड 31st मार्च, तीन साल का चाहिए. सो देयरफॉर आंसर देखिए, इन द गिवन केस फेल्योर टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिजल्ट इन द डिस्क्वालिफिकेशन. क्लियर है कॉन्सेप्ट? फेल्योर टू पे द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर लास्ट 3 ईयर्स, सच अ फेल्योर डज नॉट रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन. क्लियर है? सो डिक्लेरेशन शॉल बी सबमिटेड. यहां DIR 8 मेंशन नहीं किया है, आप ऐड करके रखिए DIR 8, और सेक्शन कौन सा है? 152 सबसेक्शन 4 में आप इसको फाइल करोगे. क्लियर है कॉन्सेप्ट? सेक्शन भी मेंशन करके रखिए. अभी तक हो सकता है रेगुलर बैच में सेक्शन नहीं हुआ हो, पर टेंशन नहीं, आगे जरूर होगा. आप मेंशन कीजिए, रिविजन के हिसाब से याद रहना चाहिए. क्लियर है कॉन्सेप्ट? साथ में वेदर ही कैन कंटिन्यू इन दो अदर कंपनीज. यस, ही कैन कंटिन्यू एज ए डायरेक्टर, कोई दिक्कत नहीं. अगला सवाल 99. मिस्टर रविंद्रनाथ इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन द 3 कंपनीज आउट ऑफ विच गुडलक कलर्स लिमिटेड इज 1. फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st मार्च 2014, गुडलक कलर्स लिमिटेड फेल टू रिपे इंटरेस्ट ऑन लोन. सेम, अब इंटरेस्ट ऑन लोन इतने बार देंगे ये, परेशान करके रख देंगे. ऑल्सो फेल टू रिपे द मैच्योर डिपॉजिट. ऑन 1st जून 2015, मिस्टर राघवेंद्र नाथ एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर. 31st मार्च 2014 से 1 जून, 31st मार्च 2014 से डिपॉजिट पे नहीं किया है 1 जून 2015 तक, तो क्या क्वालिफाइड है? डिस्क्वालिफाइड है, तो डिस्क्वालिफाइड रहेगा. ठीक है, तो एडिशनल डायरेक्टर बन सकता है क्या? नहीं, एडिशनल डायरेक्टर वो नहीं बन सकता. ठीक है, अज्यूमिंग कि भाई डिफॉल्ट हुआ है, डिफॉल्ट हुआ है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं बच्चों. क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ ना, ये चीज को आपको समझना यहां पर जरूरी है. होल्ड, ओके लेट्स गो. ये चीज होने के बाद में तो उसने डिक्लेरेशन सबमिट किया है कि 164 में डिस्क्वालिफाइड नहीं है या 164 अप्लीकेबल नहीं है. डिक्लेरेशन सही है क्या? नहीं, डिक्लेरेशन गलत है. तो देखो आंसर सीधा, राघवेंद्रनाथ इज डिस्क्वालिफाइड अंडर 164(2). ठीक है, बिकॉज फेलियर कंटिन्यूज फॉर अ डिपॉजिट फॉर 1 ईयर. क्लियर है? तो मैंने सेम वही किया, पहले 164(2) के प्रोविजन लिख लिए, क्लॉज ए क्लॉज बी लिख लिया, कैसे डिस्क्वालिफाइड है वो लिख लिया, और कितने साल के लिए डिस्क्वालिफाइड है वो भी लिख लिया. क्लियर है कॉन्सेप्ट?
ये होने के बाद में अगला मैं चाहूंगा ये भी आंसर एक बार पढ़ के रखो, लंबा चौड़ा दिया हुआ है थोड़ा डिटेलिंग में, तो रिवाइज होते रहना चाहिए। गो फॉर इट फास्ट। चलो डन डन एवरीबॉडी, लेट्स गो। फिर उसके बाद 100, मिस्टर राम इज अ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड एंड पीक्यूआर लिमिटेड। ठीक है, एबीसी लिमिटेड वॉज रेगुलर इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स बट डिड नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एनुअल अकाउंट्स फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। एक साल का ही डिफॉल्ट है। फेल्यूर टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन, सेम, अब ये रिपीट रिपीट हो रहा है। अब कितने सारे हमने ऐसे सवाल पढ़ लिए, इसको खुद टैकल करने की कोशिश करना। ठीक है, अब अपन कुछ देख रहे, कुछ नया मिले अपने को, कुछ नया सवाल मिले जिसको सॉल्व करने में मजा आ जावे, मजा। ठीक है, लंबा चौड़ा इसका भी आंसर दिया है, आराम से करते रहना। चाहिए तो ये क्वेश्चन रेगुलर बैच के लिए होमवर्क ले लो, होमवर्क रेगुलर बैच के लिए क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, तो पढ़ना भी हो जाएगा, सॉल्व करना भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101। क्लेवर, अ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड, मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग एनुअल अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर रजिस्टर्ड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। स्ट्रेट अवे बोल दिया भैया तीन फाइनेंशियल ईयर का डिफॉल्ट है। मे 06 का सवाल है इसलिए थोड़ा ईजी है, ओल्ड वाला है। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2005, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एग्जामाइन वेदर क्लेवर कैन कंटिन्यू टू बी डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड ऑल्सो ईएफ लिमिटेड। नहीं हो सकता, हाँ जहां पे डिफॉल्ट है वहां कंटिन्यू हो सकता है। एबीसी लिमिटेड में डिफॉल्ट हुआ है ना, तो एबीसी लिमिटेड में कंटिन्यू हो सकता है, ईएफ में हो सकता है क्या? नहीं, तो मैं लिख के रखूंगा कंटिन्यू इन एबीसी, एबीसी लिमिटेड नॉट इन ईएफ। ठीक है, ये चीज को याद रखना। वुड योर आंसर स्टिल बी द सेम इन द केस क्लेवर इज अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ पीएफआई? नहीं, यहां पे ही इज अ क्वालिफाइड, क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर्स ये 164(2) में डिस्क्वालीफाई नहीं होते। हमने इसका पूरा एनालिसिस किया है अगर आपको याद होगा तो। वेदर वुड योर आंसर इन द केस ऑफ डिफॉल्टिंग कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी? हाँ, डिफॉल्टिंग कंपनी प्राइवेट कंपनी भी रही तो भी डिस्क्वालीफाइड है, क्योंकि प्राइवेट पब्लिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने एग्जाम्पल में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो देखिए आंसर पे आइए, मेरा तरीका सेम है, पहले 164(2) कोट करूंगा, दोनों क्लॉजेस कोट करूंगा बिकॉज दोनों क्लॉजेस के ऊपर सवाल दिया है, फिर आऊंगा एक्सप्लेनेशन आंसर के ऊपर जिसके अंदर। ठीक है, काय में कंटिन्यू कर सकता है, तो क्लेवर कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इन एबीसी लिमिटेड, हाउएवर नीड टू वैकेट द ऑफिस फ्रॉम ईएफ लिमिटेड। ठीक है, वेदर फेल्योर कंटिन्यूज डिस्क्वालिफिकेशन, ही कैनॉट बी रीअपॉइंटेड इन द डिफॉल्टिंग कंपनी, यह भी मेंशन करके रखा है मैंने। एज ही इज अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ पीएफआई, सेक्शन 164 इज नॉट अप्लीकेबल, यहां 164 इज नॉट अप्लीकेबल बोला है, आप 164(2) लिखिए। 164 नॉमिनी को सबसेक्शन 1 अप्लाई होता है, 2 अप्लाई नहीं होता है, तो यहां 164 के जगह पे 164 सबसेक्शन 2 होना चाहिए। क्लियर है? देयर इज नो सच एक्सेप्शन प्रोवाइडेड फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हेंस सेक्शन 164 शॉल अप्लाई, सो 164 शॉल अप्लाई इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्लियर है कंसेप्ट? फर्दर 164(3) स्टेट्स दैट प्राइवेट कंपनी में कैन प्रोवाइड आर्टिकल एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन। ये हमने देखा था क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया वर्सेस माधव लापते वाला केस एंड केतन हरिकिशन मारवाड़ी वर्सेस सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज वाला केस, ये दोनों आप यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चनर जो डिस्कशन देख रहे हैं उनको शायद केसेस नहीं पता होगा, ये हमने रेगुलर बैच में लिए थे, दोनों केसेस बहुत खास है। एक केस में बोला है कि प्राइवेट कंपनी एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन दे सकती है, पब्लिक नहीं दे सकती, दूसरे में बोला है दोनों कंपनी एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन दे सकती है। So, यहां मैं लिखना चाहूंगा मेंशन केस लॉज, मेंशन केस लॉज, दोनों केसेस याद रहने चाहिए, जो बहुत जरूरी है एग्जाम में ये पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, ये चीज को याद रखना, स्टार मार्क, मेंशन केस लॉज। उसके बाद में ई फॉर्म सजेशन में DIR 8, DIR 9, DIR 10, बाकी चीज तो आपको पता ही है। अगला सवाल 102 का, अब सवाल इजी इजी होते जाएंगे। ठीक है, आरटीपी 12 का, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, ही प्रेफर्स एन अपील अगेंस्ट द कॉन्विक्शन,
कैन ही कंटिन्यू एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ड्यूरिंग द पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ द अपील? कैन द अपील अपीलेट कोर्ट रिमूव द डिस्क्वालिफिकेशन और स्टे द सेम पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ द अपील? पढ़िए एक बार. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज कॉन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, ही प्रेफर एन अपील अगेंस्ट द कॉन्विक्शन. कैन ही कंटिन्यू एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ड्यूरिंग द डिस्पोजल पेंडेंसी पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ द अपील? मस्त सवाल है. दिस इज अ क्वेश्चन ऑन 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, रेड विद सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 3 प्रोविजो, अपील्स का प्रोविजो, प्लस 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ. अगर उसने अपील किया है 30 डेज में अपील किया है तो ही कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर फॉर नेक्स्ट डिसीजन ऑफ द नेक्स्ट कोर्ट प्लस 7 डेज तक के. तो यहां पे लिखना चाहूंगा कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर टिल डिसीजन ऑफ नेक्स्ट कोर्ट प्लस 7 डेज. पर कब? इफ अपील इज मेड इन 30 डेज. इफ अपील इज इन 30 डेज. ये चीज को याद रखना, आपने भी इसको लिख के रखना है. ठीक है, सो नीचे मैं पढ़ता हूं इसको एक बार. ठीक है, लेट्स गो. इंडिविजुअल डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम डायरेक्टर फॉर लाइफ टाइम इफ ही हैज बीन इम्प्रिजन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और मोर, या फिर मोर देन 6 मंथ्स बोला है. हालांकि हमने इसको पर्पजिवली इंटरप्रेट किया था 6 मंथ्स और मोर. क्लियर है? 164 में कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस नॉट लेस देन 6 मंथ्स का अगर उसको जेल हुआ है. क्लियर है? और तो 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है, 7 साल का जेल हुआ है तो नॉट बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड इन एनी कंपनी. अपील इज मेड टू सच अ डायरेक्टर विद इन 30 डेज, ऑर्डर ऑफ सब्सिक्वेंट अपील विद इन 7 डेज. तो ऐसे सिचुएशन में नेक्स्ट कोर्ट का ऑर्डर प्लस 7 डेज तक देर इज नो वैकेशन. क्लियर है? सो नीचे मैंने आंसर देके रखा है. आइए ठीक है, सो आंसर में हम क्या लिखेंगे? तो दो चीजें हम लिखेंगे. पहला, आपको याद है ओल्ड ऑफिस, नया ऑफिस लेना नहीं है, लेना नहीं, नया ऑफिस लेना नहीं. ये कौन कहता है नया ऑफिस लेना नहीं? सेक्शन नंबर 164 कहता है. ओल्ड ऑफिस छोड़ना नहीं, ओल्ड ऑफिस छोड़ना नहीं, ये कौन कहता है? ये कहता है सेक्शन नंबर 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ. ठीक है, तो आपको वैकेशन नहीं लगेगा अगर आपने अपील किया है तो, लेकिन आप नई ऑफिसर्स ले भी नहीं सकते, नई डायरेक्टरशिप ले भी नहीं सकते. ये यहां पे मेंशन करना जरूरी है. क्वेश्चन अच्छा है, मैं स्टार मार्क करके रखूंगा. मैं जरूर चाहूंगा कि आप इसका एक बार आंसर पढ़ के देखिए, इट विल हेल्प यू अलॉट. गो फॉर इट फास्ट.
डन बड़ी डन एवरीवन, वेरी गुड। अब यहां पे सेक्शन 164 होता है खत्म। 164 के बाद हम 167 पहले ले लेंगे, 165 बाद में लेंगे, बिकॉज 167 थोड़ा सा 164 के साथ साथ में हम पढ़ते हैं, दैट्स व्हाई पहले 167 ले लेंगे फिर 165। आ जाइए, लेट्स सर्च द 167, 167, 166 ड्यूटी, 167 वैकेशन। आ जाइए, सो 167 क्वेश्चन नंबर है 112, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 112, लेट्स गो। मिस्टर ए इज अ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड विच फेल्ड टू रीपे मैच्योर डिपॉजिट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 ऑनवर्ड्स एंड द डिफॉल्ट कंटिन्यूज बट एबीसी लिमिटेड इज रेगुलर इन फाइलिंग एनुअल अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स। मिस्टर ए इज अ डायरेक्टर ऑफ पिक्योर लिमिटेड एंड एक्सवाइजेड लिमिटेड, आंसर द फॉलोइंग, इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ पिक्योर एंड एक्सवाइजेड, मतलब तीन कंपनीज में डायरेक्टर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, whether Mr. A is disqualified and if so whether required to vacate the office in PQR and XYZ। पहली बात, 1 अप्रैल 2018 से लेकर आज के डेट तक मेंशन नहीं किया है, तो आपने आज का डेट लेना है, और आज का डेट आगे पढ़ते हैं कोई डेट मेंशन किया है क्या देखेंगे। इज इट पॉसिबल फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ DEF लिमिटेड टू अपॉइंट मिस्टर एज एडिशनल डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 15 मई 2019। अब 1 अप्रैल से 15 मई, मतलब एक साल इलेप्स हो चुका है और अभी भी हम 2020 में है, तो यहां अज्यूम करना है कि भैया करंट ईयर इज 2020, और उसके हिसाब एग्जाम में जब ऐसा सवाल आता है तो करंट जिस दिन आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो वो डेट लेके आपने आंसर लिखना चाहिए। क्लियर है आंसर? तो क्या मिस्टर ए यहां पे क्वालिफाइड है? तो मैं आपको सिंपली बोल के रखू, नहीं, मिस्टर ए इज डिस्क्वालिफाइड। कहां डिस्क्वालिफाइड है? 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर बी में मिस्टर ए डिस्क्वालिफाइड है, क्योंकि डिपॉजिट्स पे नहीं किए उन्होंने, फेलियर टू पे मैच्योर डिपॉजिट्स है बेटा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। उसके बाद में मिस्टर ए इज डिस्क्वालिफाइड, ये हो गया। इज इट पॉसिबल फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ DEF लिमिटेड टू अपॉइंट मिस्टर ए एज एडिशनल डायरेक्टर? क्या मिस्टर ए एडिशनल डायरेक्टर हो सकता है? तो मैं सिंपली यहां पे बोलना चाहूंगा कि नहीं, ये भी अलाउड यहां पे नहीं किया गया है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट सबको? नीचे मैंने 164 मेंशन करना है, 167 का वैकेशन वाला भी प्रोविजन मैंने मेंशन करना है, और एक्सप्लेनेशन आंसर मैंने मेरे हिसाब से देना है। हालांकि हमने 164 के बहुत सारे सवाल ऐसे देखे थे, इसलिए हमको कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं जा रही है, पर एक बार फिर भी आंसर आप देख लीजिए, इट विल हेल्प यू अलॉट। गो फॉर इट फास्ट। एक खास पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया, अगर आप देखोगे तो ऑडिटर रिपोर्ट में हम 153 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी में ऑडिटर रिपोर्ट में मेंशन करते हैं कि अगर डायरेक्टर का कोई डिस्क्वालिफिकेशन है क्या, ये सजेशन आप बहुत सारी जगह पे लिख सकते हो, या इसके ऊपर हो सकता है सवाल भी पूछ ले ऑडिट में या यहां पर। क्लियर है? तो उसको स्टार मार्क करके रखना। चलो डन। अगला क्वेश्चन नंबर 113, मिस्टर विक्रम, अब एक्चुअली 167 का मैक्सिमम सवाल 164 के ही रहेंगे, सो रिपीट ही रहेगा एज गुड एज, बट कोई ऑप्शन नहीं है, करना तो पड़ेगा। मिस्टर विक्रम, अ डायरेक्टर ऑफ मेसर्स ट्यूबलाइट लिमिटेड, हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग एनुअल अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स विच रजिस्टर्ड कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। सीधा बोल दिया 3 साल का डिफॉल्ट है, 31 मार्च एंडिंग 31 मार्च 2016, मतलब 2014-15-16 3 साल का डिफॉल्ट है। एग्जामाइन वैलिडिटी, वेदर मिस्टर विक्रम कैन कंटिन्यू टू बी डायरेक्टर ऑफ मेसर्स ट्यूबलाइट लिमिटेड, इसका स्ट्रेट अवे आंसर आएगा यस, क्योंकि डिफॉल्टिंग कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, ऑल्सो मेसर्स ग्रीन लाइट लिमिटेड, तो ग्रीन लाइट के अंदर आप डायरेक्टर नहीं रह सकते, इसका आंसर है नो। वेदर ही इज ऑल्सो डायरेक्टर, ऑल्सो स्टेट वेदर ही कैन बी रीअपॉइंटेड, रीअपॉइंटेड के लिए आंसर है नो। आप 3 साल तक रीअपॉइंट, आप 5 साल तक रीअपॉइंट नहीं हो सकते इन टू कंपनीज फॉर 5 ईयर्स। क्लियर है? व्हाट वुड बी योर आंसर इन द केस मिस्टर विक्रम इज अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ PFI? नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ PFI तो 164 सबसेक्शन 2 आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाट वुड बी योर आंसर इन द केस ऑफ डिफॉल्टिंग कंपनी? मेसर्स ट्यूबलाइट लिमिटेड इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फिर भी 164 आपको एप्लीकेबल होता रहेगा, और डिस्क्वालिफिकेशन भी आपको एप्लीकेबल होता रहेगा। और यह सवाल क्वाइट रिपीट है, हमने इसके पहले ऐसा एक सवाल सॉल्व किया है ऑलरेडी। क्लियर है? तो इसको होमवर्क में ले लेना। एक होमवर्क मैंने क्वेश्चन नंबर 100 दिया था, एक होमवर्क क्वेश्चन नंबर 113। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये 2 क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन नंबर 114, मिस्टर ध्रुव इज अ डायरेक्टर ऑफ मिसेस LT लिमिटेड XC लिमिटेड रिस्पेक्टिवली। LT लिमिटेड डिड नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्ट्रेट बोला है, फॉर 31 मार्च 16 17 18 गए मतलब काम से,
डिस्क्वालिफिकेशन लग गया भैया, सो डिस्क्वालिफाइड अंडर 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, क्लियर है। एलटी लिमिटेड ऑल्सो डिड नॉट पे इंटरेस्ट ऑन लोन, डिड नॉट पे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर स्टिल क्वालिफाइड, ठीक है। फिर फेल टू रिपे मैच्योर डिपॉजिट भी बोला है, टेकन फ्रॉम पब्लिक ड्यू डेट्स 1 अप्रैल 2017 ऑनवर्ड्स, एक डेढ़ साल हो गया, मतलब 18 के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने फाइल नहीं किया, मतलब ये तो 2 साल हो चुके होंगे ना इस डिपॉजिट को, क्योंकि 18 के भी हम 19-20 में खड़े हैं, क्लियर है। सो क्या होगा सिचुएशन, ये हमको देखना है। अब सवाल पढ़ते हैं, क्या सवाल है। वेदर मिस्टर ध्रुव इज डिस्क्वालिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इफ सो वेदर ही कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर ऑफ एलटी लिमिटेड, हाँ जो डिफॉल्टिंग कंपनी है उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू इन एलटी लिमिटेड, रीअपॉइंटमेंट तो नहीं हो सकता, नॉट अलाउड, ठीक है। रिटायर्स बाय रोटेशन, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। मिस्टर ध्रुव इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ मेसर्स एमएन लिमिटेड, नॉट अलाउड, ठीक है। काइंड ऑफ रिपीट सवाल है, एक बार आंसर पढ़ लीजिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आंसर एक बार देख लीजिए, गो फॉर इट फर्स्ट। डन हो गया सबका, आंसर रीड करना, रेडी लेट्स गो। यहां 167 भी खत्म होता है क्योंकि आज 167 के खुद के कोई सवाल नहीं है। नाउ इट इज रिक्वायर्ड कि हम जाए यहीं के यहीं हैं, तो हम 165 खत्म कर लेते हैं, बिकॉज हम नजदीकी है 165 के, सो फटाफट 165 भी हो जाएगा, फिर 149 पे जाएंगे, ठीक है। थोड़ा एटरेंडम होगा क्योंकि जिस तरीके से मैं क्लास में पढ़ाता हूं उस हिसाब से मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन लेता हूं, सो इट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से देखो तो आपके कंसेप्ट्स भी इसी तरीके से क्लियर होंगे, ठीक है। चलो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप 103, ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाइए, लेट्स गो। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ब्राउन लिमिटेड हैविंग टर्नओवर ऑफ 60 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर 2016-17 अपॉइंट्स मिस्टर रोज एज अ वुमन डायरेक्टर ऑन 1 मार्च 2017, ठीक है। ब्राउन लिमिटेड हैविंग टर्नओवर ऑफ 60 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर जो भी है, अपॉइंट मिस्टर मिस रोज एज अ वुमन डायरेक्टर ऑन 1 मार्च 2017। मिस रोज ऑलरेडी होल्ड्स अ डायरेक्टरशिप इन 12 कंपनीज इंक्लूडिंग, अच्छा ब्राउन लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, इंक्लूडिंग 10 पब्लिक कंपनीज, शी इज अ फुल टाइम कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। सवाल गजब है,
ठीक है, जो ऑलरेडी वोल टाइम प्रैक्टिस में है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएस, क्या वो डायरेक्टरशिप ले सकता है? ये बहुत डिस्प्यूटेड चीज है, मतलब ये इंस्टीट्यूट लेवल पे भी डिस्प्यूटेड चीज है कि इसको अलाउ करते हैं। कुछ केसेस में अलाउ करते हैं, कुछ में नहीं करते, कुछ में परमिशन देके करते हैं, कुछ में शेयर होल्डिंग नहीं होना चाहिए, बहुत अजीब है। तो इसका आंसर एक मैंने फॉर्मेटेड दिया है, वही मानना। हालांकि ये फाइनल लेवल पे पूछे जाने लायक वाला सवाल एज सच नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्टरशिप लेना विथ प्रैक्टिस ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट कंसिडर किया जाता है या नहीं किया जाता है, यही बहुत डिस्प्यूटेड चीज है। ठीक है, मिस जैस्मिन होल्ड्स अ डायरेक्टरशिप इन 8 पब्लिक कंपनीज इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टरशिप इन 2 कंपनीज। अच्छा, पहले वाले का आंसर दे दूं, ऑलरेडी 10 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर है, ऊपर से वन वुमन डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं ब्राउन लिमिटेड में, तो नहीं ले सकते आप ब्राउन लिमिटेड की डायरेक्टरशिप। या ऐसा हो सकता है एग्जिस्टिंग किसी एक में से रिजाइन कर लो और फिर नया ले लो। या आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो नॉट अलाउड, या तो फिर रिजाइन फ्रॉम वन एंड टेक न्यू। देखने हो, दो में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी। मिस्टर जैस्मिन होल्ड डायरेक्टरशिप इन 8 पब्लिक कंपनीज इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टरशिप इन 2 कंपनीज एंड डायरेक्टरशिप इन 6 कंपनीज। इन एडिशन शी ऑल्सो होल्ड्स अल्टरनेट डायरेक्टरशिप इन 3 कंपनीज एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप इन 3 सब्सिडरी कंपनीज ऑफ ब्राउन लिमिटेड। क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप भी बोला है, सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी भी काउंट करनी पड़ती है। अब यहां पे टोटल कितने हो रहे हैं, मतलब 8 कंपनीज तो ऑलरेडी है, 8 में से 2 एमडी है, एमडी वाली 2 कंपनी मतलब पब्लिक होगी, 2 कंपनीज एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब ये पब्लिक होगी, क्लियर है, एंड 6 कंपनी एंड 6 डायरेक्टरशिप इन 6 कंपनी। अब इसके बारे में कुछ नहीं बोला है कि ये 6 कंपनीज कौन है, अल्टरनेट डायरेक्टरशिप इन 3 कंपनीज बोला है और अल्टरनेट डायरेक्टरशिप काउंट होती है, बेरिटेक्स में लिखा हुआ है। अब ये 3 कंपनीज भी कौन सी है ये भी नहीं पता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप इन ब्राउन की सब्सिडरी इन 3 सब्सिडरी कंपनीज ऑफ ब्राउन लिमिटेड, हालांकि अलाउड नहीं है एज सच, बट इसको मैं पब्लिक कंपनीज काउंट करता हूं। अब पब्लिक कंपनी फिक्स वाली कौन सी है, तो 5 पब्लिक कंपनी फिक्स है, ठीक है, 2 कंपनीज में मैनेजिंग डायरेक्टरशिप और 3 कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप, ये 5 फिक्स है, फिर 6 कंपनी जो एडिशनल है वो कौन सी इसके बारे में नहीं पता, अल्टरनेट डायरेक्टरशिप कौन सी 3 कंपनी में ये नहीं पता। तो अब ये आंसर अजम्पशन बेस्ड है, मुझे मतलब मुझे भी नहीं पता कि मॉडल आंसर में मैंने क्या आंसर किया होगा, आगे जो मॉडल आंसर आ रहा है इधर इसमें मैंने क्या आंसर किया होगा आई डोंट नो, पर अजम्पशन बेस्ड आंसर है, आप आपके हिसाब से लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहो कि 5 पब्लिक कंपनियां 5 लिखो, 6 और 3 9 प्राइवेट कंपनीज है लिखो, या 5 पब्लिक कंपनीज है और इसमें से 6 में से 3 पब्लिक है और 3 प्राइवेट है, ऐसे अलग अलग अजम्पशन आपके आ सकते हैं, क्लियर है आंसर। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, अब्रप्ट है, इंस्टीट्यूट के ऐसे अजम्पशन बेस्ड सवाल नॉर्मली फेवरेट होते हैं, ठीक है, तो मैं चाहूंगा इसका आंसर पढ़िए और आप कौन सा अजम्पशन लेना चाहते हैं उस अजम्पशन के हिसाब से यहां पर आप आंसर लिख सकते हैं, गो फॉर इट फास्ट, ठीक है। यह भी मैं अज्यूम कर सकता हूं, देखो यहां पर अज्यूम क्या किया है कि भाई 8 पब्लिक कंपनीज है और 3 डायरेक्टरशिप अल्टरनेट है जो इनवैलिड है, तो टोटल 11 कर दिया इन्होंने पब्लिक कंपनीज को, लेकिन आप अदरवाइज आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज अजम्पशन भी ले सकते हो, क्लियर है आंसर। सो ये यहां पे मैंने नोट डाला है, इवन इफ द स्टूडेंट राइट्स द आंसर बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट जैस्मिन इज होल्डिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप ऑफ अ पब्लिक कंपनी, कंक्लूजन विल नॉट चेंज, क्लियर है आंसर। हालांकि यहां पर ठीक है, हमने यहां अज्यूम किया दीज आर इन द प्राइवेट इन नेचर, फिर पब्लिक कंपनीज का मैंने आंसर किया है, एक बार आंसर चेक कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट।
चल डन एवरीबडी, हो गया सबका आंसर पढ़ना। ये सुनो अगले क्वेश्चन पे जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 104 आरटीपी और नवंबर 17 का सवाल है। मिस्टर फॉर्चून इज होल्डिंग अ डायरेक्टरशिप इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज, फोर पब्लिक, 10 प्राइवेट, टू कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो टू सेक्शन 8 वाली तो काउंट नहीं करनी है, तो 10 प्राइवेट प्लस टू पब्लिक मतलब टोटल फोर पब्लिक, मतलब 14 ही कंपनीज हुई है। अब छह और पब्लिक की होल्डिंग सब्सिडरी या पब्लिक एक्सेप्ट हो सकती है। मिस्टर फॉर्चून फर्दर रिसीव्ड ऑफर फ्रॉम सेवन पब्लिक कंपनीज, सिक्स प्राइवेट कंपनीज एंड टू कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सो टू कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये तो वैसे ही अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? सेवन पब्लिक कंपनीज में से आप छह एक्सेप्ट कर सकते हो, सिक्स न्यू आप एक्सेप्ट कर सकते हो, प्राइवेट छह कंपनीज में से आप कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइवेट वाली लिमिट जो एक्स्ट्रा 10 की है वो खत्म हो चुकी है। सो हिज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इज एज फॉलोस, प्राइवेट कंपनी इज नॉट बींग अ होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एडवाइस फॉर्चून रेफरिंग टू द सेक्शन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो वो पहले बोल रहा है उसको पब्लिक कंपनी चाहिए, तो छह ले ले भाई, या एग्जिस्टिंग में से रिजाइन कर किसी एक से और सातों के सातों ले ले, ठीक है, एक इधर एक्सेप्ट सिक्स और रिजाइन वन एंड एक्सेप्ट सेवन, ठीक है। फिर प्राइवेट कंपनीज नॉट अलाउड, सेक्शन 8 कंपनीज टोटली अलाउड क्योंकि ये टोटली एग्जम्प्ट है। फिर मैं 165 यहां पे कोट करूंगा, 165 में क्या क्या कोट करूंगा देखना। नो पर्सन होल्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टर, हमेशा मेंशन करना अल्टरनेट डायरेक्टर, लिखना शोज दैट आपने प्रोविजन अच्छे से पढ़ा है। मैक्सिमम कितने, 20 आउट ऑफ 20, मैक्सिमम पब्लिक कंपनीज कितना, 10, प्राइवेट कंपनी इधर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट ऑफ पब्लिक कंपनी शॉल बी इंक्लूडेड इन रेकनिंग द लिमिट ऑफ द कंपनीज, ठीक है, फॉर रेकनिंग द लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ द 20 कंपनीज, डॉर्मेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी हम एग्जम्प्ट करते हैं। नीचे छह पब्लिक कंपनीज आप एक्सेप्ट कर सकते हो या सात पब्लिक कंपनीज एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजाइन फ्रॉम वन, नो मोर प्राइवेट कंपनी आर अलाउड बिकॉज मैक्सिमम लिमिट 20 रीच हो चुके हैं, टू मोर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनीज, पर्सन कैन होल्ड कंपनीज अंडर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, ये अलाउड है। इफ डायरेक्टर एक्सीड्स 20 तो सजेशन में पेनल्टी मेंशन करके रखिए, 5000 पर डे रिफंड ऑफ रेमुनरेशन, ये चीज आपको लिखना जरूरी है। अगला सवाल 105 प्रैक्टिस मैनुअल आरटीपी 15 और 16 का सवाल है। मिस्टर इन्फ्लुएंशियल ऑलरेडी अ डायरेक्टर इन 19 कंपनीज आउट ऑफ विच 10 आर पब्लिक, 19 कंपनीज में डायरेक्टर है, 10 पब्लिक है एंड 9 आर प्राइवेट कंपनीज, ही इज बींग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द अनदर कंपनी नेम्ड एक्सपांसिव रेमेडीज लिमिटेड, एडवाइस। एक्सपांसिव रेमेडीज लिमिटेड ये पब्लिक है, पब्लिक है मतलब अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, या एग्जिस्टिंग में से रिजाइन करके रखिए, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हेल्ड बाय इंडिविजुअल, वेदर कैन एक्सेप्ट द न्यू अपॉइंटमेंट इन अ व्यू देयर ऑफ, व्हाट आर द कंपनीज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ईजी है, ठीक है। मैं इसके पहले के सवाल को स्टार मार्क करना चाहूंगा, यह सवाल काफी अच्छा है, 104 वाला, ठीक है, आप भी करके रखिए। ये वाला सवाल सिंपल है, आप एक बार इसका आंसर पढ़ सकते हैं, काफी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ठीक है, गो रीड द आंसर। चलो डन। 106 एमटीपी अप्रैल 18 आरटीपी मई 18 का सवाल है, एमटीपी आरटीपी में ही आया है सिर्फ।
एक्सेल लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 60 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर. द कंपनी अपॉइंट्स मिस्टर आर एज वुमन डायरेक्टर ऑन 1 मार्च. मिस्टर आर इज ऑलरेडी डायरेक्टर इन 12 कंपनीज इंक्लूडिंग 10 पब्लिक. रिपीट सवाल है, ऑलरेडी हो चुका है बच्चों अपना. हे माँ शक्ति. रिपीट, ठीक है, यह चीज को याद रखना. ठीक है, तो इसको पढ़ना है एक बार अच्छे से. रिपीट क्वेश्चन, अगला वाला 107. राज इज डायरेक्टर ऑफ 10 पब्लिक कंपनीज एज ऑन 30th जुलाई 2014 एंड कंटिन्यूज टू बी सो. 10 पब्लिक ऑलरेडी है टिल 26 अक्टूबर 2014. द फॉलोइंग कंपनीज अपॉइंटेड राज एज अ डायरेक्टर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन द डेट्स मेंशन अगेंस्ट देयर नेम. एमएलपी लिमिटेड 27 अक्टूबर को अपॉइंट किया, ये 26 अक्टूबर तक ही है ना, तो एमएलपी लिमिटेड 27 अक्टूबर को अपॉइंट किया तो ले सकता है, कैन एक्सेप्ट. लेकिन अगर रीअपॉइंट हो रहा है, अगर वो पब्लिक कंपनी में रीअपॉइंट हो रहा है, कैन एक्सेप्ट इफ रिटायर. लेकिन यहां पे लिख के रखो, इफ ही इज रीअपॉइंटेड इन पब्लिक कंपनी तो ये वाला अपॉइंटमेंट वो ले नहीं सकता. ठीक है, ये अजम्पशन बेसिस का आंसर है, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, बच्चे मेरे को इमीडिएटली सवाल पूछते हैं यहां पे, सर 26 सितंबर को तो ऑफिस जा रहा था तो 27 सितंबर को अपॉइंट क्यों नहीं हो सकता. बेटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर उसका रीअपॉइंटमेंट हुआ ऑटोमेटिक वाला या नॉर्मल वाला तो न्यू ऑफिस कैसे एक्सेप्ट करेगा. क्लियर है, ये चीज को याद रखना, या फिर अज्यूम कर लो रीअपॉइंट नहीं हो रहा और एक्सेप्ट करवा लो. ठीक है, पैट प्राइवेट लिमिटेड ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ही कैन हैव इट. केएमसी लिमिटेड 29 सितंबर, सेम आंसर, सेम सेम सेम. अगर रीअपॉइंट हो रहा है तो नहीं हो सकता, रीअपॉइंट नहीं हो रहा है तो हो सकता है. यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विद रेफरेंस ऑफ द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. ये अच्छा सवाल है, अजम्पशन बेसिस का स्टार मार्क करके रखिए. देखो अब मैंने आंसर में भी आगे सेम ही बोला होगा कि नहीं हो सकता अज्यूमिंग. डायरेक्टर इन 10 पब्लिक कंपनीज ऑन 30th जुलाई, कंटिन्यूज टू टिल 26 सितंबर. इट इज नॉट क्लैरिफाइड वेदर क्वेश्चन अबाउट द स्टेटस ऑफ डायरेक्टरशिप इन एक्जिस्टिंग कंपनीज आफ्टर 26/9/18. मिस्टर राज इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एमएलपी लिमिटेड, पैट लिमिटेड एंड केएमसी लिमिटेड इन द रिस्पेक्टिव एजीएम. अज्यूमिंग दैट देर इज नो चेंज इन द एक्जिस्टिंग स्टेटस, नो चेंज इन एक्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ डायरेक्टरशिप, मिस्टर राज आफ्टर 26/2018 अपॉइंटमेंट इन एमएलपी लिमिटेड एंड केएमसी लिमिटेड इज नॉट प्रॉपर एज पर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इन मिस्टर राज बिकम अ डायरेक्टर एक्सीड्स 10. इन द केस इधर कैन चूज बिटवीन अ कंपनीज इन विच विशेष टू कंटिन्यू. ठीक है, यहां प्राइवेट नहीं, यहां पब्लिक चाहिए. टोटल नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज, ये प्राइवेट वर्ड को चेंज करके पब्लिक कर दीजिएगा. टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इन पब्लिक कंपनी इन मिस्टर राज बिकम्स डायरेक्टर एक्सीड्स 10. In this case, either can choose between a companies he wishes to continue to hold the office of the director and resign from the office of the director in other remaining companies to maintain the limit holding the directorship. वो resign भी कर सकता है, ये भी एक option available है. However, appointment of private limited can be accepted provided it is not holding subsidiary company of a public company. नीचे suggestion में penalty दिया है, read कर लेना. ठीक है, अगला 108, नवंबर 03 का सवाल है. मिस्टर पीएमसी इज अ डायरेक्टर इन 14 कंपनीज एज ऑन 30th जुलाई 2003, आउट ऑफ विच 10 आर पब्लिक. ठीक है, ही कंटिन्यूज टू बी सो टिल 24th सितंबर 2003. फॉलोइंग कंपनीज आर अपॉइंटेड इन पीएमसी एज अ डायरेक्टर इन देयर रिस्पेक्टिव एनुअल जनरल मीटिंग. रिपीट सवाल है, नियरली सेम सवाल है, अजम्पशन बेसिस पे. ठीक है, ये चीज को याद रखना. अच्छा, ये सेक्शन 8 कंपनी इसके अंदर स्पेसिफिकली दिया है तो ये आप एक्सेप्ट कर सकते हो बिल्कुल. ठीक है, मैं ये चाहूंगा कि नीचे का सवाल थोड़ा अच्छा है तो ऊपर के सवाल का स्टार मार्क मैं निकाल दूंगा और वो मैं दूंगा सेक्शन क्वेश्चन नंबर 108 को. ठीक है, क्योंकि सिमिलर सवाल है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सेक्शन 8 कंपनी की. मैं चाहूंगा इसका आंसर आप रीड कीजिए, गो फॉर इट फास्ट.
श्योर डन. फिर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 109. आर होल्ड्स अ डायरेक्टरशिप इन 10 पब्लिक कंपनीज, 11 प्राइवेट इन 10 पब्लिक कंपनीज एंड 11 प्राइवेट, फोर कंपनीज एज ऑन इलेवन प्राइवेट कंपनीज चाहिए यहां पे, ये फोर निकाल देना बीच में से, ठीक है. एज ऑन 31 मई 2000, आउट ऑफ विच वन इज अ डॉर्मेंट कंपनी. तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 20 है प्लस डॉर्मेंट है चलेगा. अपार्ट फ्रॉम डॉर्मेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी इन विच मिस्टर आर इज होल्डिंग अ डायरेक्टरशिप हैज बिकम अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी. तो ये हो गया कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, क्योंकि पब्लिक कंपनी की और पब्लिक के आप ऑलरेडी 10 होल्ड कर रहे हो और एक सब्सिडरी ऑफ पब्लिक होल्ड कर रहे हो, मतलब 11 हो गए पब्लिक के. तो क्लियर. इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, टेल द वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग अ डायरेक्टरशिप ऑफ आर विथ रेफरेंस टू द नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप ऑन 31 मई, वेदर द कंपनी हैज अ पावर टू स्पेसिफाई लेसर नंबर ऑफ कंपनीज. यस, आप इसके अंदर सबसेक्शन 1, 2 दोनों कोट करोगे. प्राइवेट कंपनी जो है उसकी डायरेक्टरशिप आप होल्ड नहीं कर सकते जो सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी है, तो कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा. और यहां पे आपको 165 की पेनल्टी मेंशन करना जरूरी होगा, तो यहां मैं साइड में लिख के रखता हूं, मेंशन पेनल्टी ऑफ 165. क्योंकि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है, यह भी आप लिख के रखिए. बाकी आंसर तो आपको पता ही है क्योंकि हमने अब कई सारे सवाल कर लिए हैं. यहां पे 165 होता है खत्म. आई विल रादर गो फॉर सेक्शन नंबर 149 नाउ, ठीक है. 149 के सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं, आ जाइए. ओके, लेट्स गो. चलो 10 सवाल है 149 के ऊपर, आ जाइए. सबसेक्शन 1 से 3, हम इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कवर नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अलग से रहेगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15, आ जाइए. द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ राजस्थान टॉयज प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी शॉल बी 10. प्रेजेंटली द कंपनी इज हैविंग 8 डायरेक्टर्स. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सेड कंपनी डिजायर्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 16. एडवाइस वेदर अंडर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन डू सो. यस, बाय जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. क्लियर है. अबव 15 बाय जीएमएसआर. अगर आर्टिकल के लिमिट होगी तो आर्टिकल अमेंड करके. फिलहाल राजस्थान आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कितना लिखा है, शॉल बी 10. प्रेजेंटली कितने हैं, 8. मतलब जीएमएसआर पास करके आर्टिकल अमेंड करो 16 तक के, तो आपको 15 के अबव जीएमएसआर पास करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है. तो आंसर में मैं क्या क्या लिखूंगा जरा देखिए. पहले तो मैं 149(1) कोट करूंगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स होने चाहिए. फिर उसके बाद में मैं कोट करूंगा मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3, 2 और 1, ठीक है. फिर मैं कोट करूंगा मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट अप टू 15. अबव 15 मैं कोट करूंगा जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन. क्लियर. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन स्टेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लोअर देन 15. इंक्रीज इन लिमिट इन आर्टिकल तो जीएमएसआर लगेगा अंडर सेक्शन नंबर 14. ये ऑलरेडी इंटर वाला सेक्शन है, सीए इंटर. सेक्शन 14 सीए एंटर में था अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अमेंड एओए. एनी इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड बाय आर्टिकल शॉल नॉट हैव अफेक्ट अनलेस अप्रूव्ड बाय जीएमएसआर, ठीक है. ठीक है, लिमिट ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर एंड इंक्रीज इज नॉट अप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी को अप्लीकेबल नहीं है, ना ही सेक्शन 8 कंपनी को अप्लीकेबल है. जो रेगुलर है फाइलिंग एनुअल अकाउंट एनुअल रिटर्न में, जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, उनको एग्जम्पशन नहीं है. क्लियर है कॉन्सेप्ट. एक्सप्लेन, ये स्टार मार्क करके रखना है, ये बहुत खतरनाक सवाल इनके ऊपर आ सकता है. ये हमने 2-3 बार एग्जम्पशन पढ़ा है अभी तक के क्वेश्चन में, कि 137 और 92 का डिफॉल्ट रहा तो एग्जम्पशन नहीं है. तो अगर कभी आपको एग्जाम में किसी ने पूछा कि गवर्नमेंट कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी, उन्होंने 137 और 92 में डिफॉल्ट किया है, क्या उनको सेक्शन अप्लीकेबल है, तो हमेशा हां बोल देना, हमेशा हां बोल देना. क्लियर है कॉन्सेप्ट. ये चीज को आप गुरु मंत्र बना लो. गवर्नमेंट कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी ने 137 या 92 एनुअल अकाउंट्स एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट किया, तो हमेशा बोलना यस, कि भाई इनको सेक्शन अप्लीकेबल है.
एक्सप्लेनेशन, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ राजस्थान प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी शॉल बी प्रेजेंटली, कितना 10। प्रेजेंटली कंपनी 8 डायरेक्टर है, इंक्रीज करने हैं 16। इन गिवन सिचुएशन 8 डायरेक्टर विद इन द लिमिट ऑफ एओए, द कंपनी शॉल पास वन जनरल लिमिटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन फ्रॉम अमेंडिंग एओए, ठीक है, एंड 8 जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 8 डायरेक्टर्स। कंपनी शॉल पास 2 जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग 2 डायरेक्टर्स, या तो फिर और वाला मेथड दिया है मैंने जैसे मैं देता हूं, और एंड 6 जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग 6 डायरेक्टर अबव परमिटेड लिमिट। लेकिन ये मैंने आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए दिया है बच्चों, एग्जाम में आप सिर्फ ये वाली लिखोगे, ओनली दिस वन नंबर वाला मेथड इन एग्जाम, ठीक है, सेकंड वाला आपने नहीं लिखना, आर्टिकल अमेंडमेंट का आपने मेथड लिखना है, क्लियर है कंसेप्ट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी कैन अपॉइंट 16 डायरेक्टर इफ दे फॉलो द अबव मेंशनड प्रोसेस, क्लियर है। तो यहां पे आपका खत्म हुआ। एज पर आईसीआई कंपनी वॉन्ट्स टू अपॉइंट डायरेक्टर मोर देन 15 स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, ये भी मैंने नोट देके रखा हुआ है, क्लियर है। द मैक्सिमम हम भी स्पेशली दे रहे हैं आर्टिकल अमेंड करने के लिए, सो क्या टेंशन है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज एज पर देयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज 11। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैक्सिमम नंबर 11 बोला है। एबीसी एबीएस कंपनी लिमिटेड, डीएसपी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेडर्स एसोसिएशन कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 8, हिंदुस्तान पेपर्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी अंडर क्लॉज 45, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी वॉन्ट्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 15, ठीक है। स्टेट, तो पहले दो कंपनीज में जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा आर्टिकल अमेंड करने के लिए, ये दो कंपनीज का आंसर अभी बड़े अच्छे से ध्यान देना, एक सेक्शन 8 है, एक गवर्नमेंट है, इनको एग्जम्पशन है। पहला सवाल तो यह है कि दे शॉल नॉट बी डिफॉल्टेड इन 137 और सेक्शन 92, ये सेक्शन 137 या 92 में डिफॉल्टेड नहीं है, या फिर ये डिफॉल्टेड है इन सेक्शन 137 एंड 92। 137 और 92 में डिफॉल्टेड है तो इनको नो एग्जम्पशन। अगर नॉट डिफॉल्टेड है 137 92 में, तो दूसरा सवाल है क्या एओए का प्रोविजन है, एओए में कोई लिमिट बोली है, या एओए में देर इज नो लिमिट। एओए में लिमिट बोली है तो अमेंड एओए के लिए, अमेंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, भले ये सेक्शन 8 कंपनियां गवर्नमेंट कंपनी क्यों ना हो, अगर इन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया है मतलब एग्जम्प्ट है, बट एओए में लिमिट बोली है तो एओए अमेंड करने के लिए जीएमएसआर लगेगा, पर एओए में लिमिट नहीं बोली है तो डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही लगेगा। यह चीज को आपने याद रखना, यह लिख के रखिए, कतई इंपॉर्टेंट है। सिंपल वापस बोलता हूं, अगर डिफॉल्ट नहीं है 137 92 का है तो एग्जम्प्टेड है, डिफॉल्ट है तो कंप्लाई करना ही है, डिफॉल्ट नहीं है तो एग्जम्प्ट है, पर एग्जम्प्टेड में एओए में आपने लिमिट डाल के रखा है 11 का, तो ऐसे सिचुएशन में आपको जीएमएसआर लगेगा एओए अमेंड करने के लिए। एओए में अगर आपकी लिमिट नहीं है तो जीएमओआर लगेगा। अब यहां उन्होंने बोला है एओए में लिमिट लिया है, तो आपने अज्यूम करना है कि एओए में लिमिट है तो आपको जीएमएसआर से अमेंड करना पड़ेगा आर्टिकल का लिमिट, डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही लगेगा, क्लियर है। क्वेश्चन अच्छा है, स्टार मार्क करके रखता हूं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसका आंसर प्लीज पढ़ के देखिए, गो फॉर इट फास्ट, और ये लिख लीजिए।
चल डन एवरीबॉडी, ये अगर हो गया तो हम अगले कंटेंट के ऊपर जा रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पीएम का है। एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज 9, ठीक है, उसमें एक गवर्नमेंट कंपनी दिया है, ठीक है। तो ये रिपीट सवाल है, पिछले सवाल जैसा ही है, तो इसको सॉल्व कर लेना एक बार, ठीक है। नियरली सेम आंसर आएगा, उसमें तो सेक्शन 8 भी था, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट है, सो गो विद इट, सेम ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज 9। सेम सवाल वापस रिपीट हो रहा है, अटलांटा कंपनी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, रिपीट। ये 149 सबसेक्शन 1 में होता है, कई सवाल रिपीट होते हैं बिकॉज नंबर ऑफ डायरेक्टर छोड़ के और क्या पूछेंगे, और उनके पास कुछ ड्राफ्टेड क्वेश्चन वैसे ही है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ सूर्या प्राइवेट लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 19 प्रोवाइडेड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी शॉल बी 15, प्रेजेंटली कंपनी इज हैविंग 12 डायरेक्टर्स, 15 होने चाहिए, प्रेजेंटली कंपनी में 12 डायरेक्टर्स है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सेड कंपनी डिजायर्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 16, एडवाइज वेदर द कंपनीज प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। सिंपल सी बात है कि भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड करो, 16 तक के लेके जाओ, फिर ऑर्डिनल रेजोल्यूशन से आप अपॉइंट कर सकते हो 4 डायरेक्टर को। तो देखिए यहां पे क्या बोला है, सेम चीज, दैट 3 डायरेक्टर्स पब्लिक में, 2 प्राइवेट में, 1 ओपीसी में, मैक्सिमम लिमिट है 15, अबव 15 तो आपको जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन पब्लिक प्राइवेट या ओपीसी डिसीजन लिया जाएगा। इन द गिवन केस नंबर ऑफ डायरेक्टर इज प्रपोज टू इंक्रीज टू 16, ऑब्वियसली द कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई फॉलोइंग 1 स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर मेंबर्स टू अल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंडर सेक्शन 14, 4 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स एज पर आईसीआई, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा अबव 15 के लिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एमएनपी लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर नेहा एज अ वुमन डायरेक्टर इन बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 10 सितंबर, द सेड अपॉइंटमेंट वॉज मेड टू फिल द वैकेंसी ऑफ द वुमन डायरेक्टर विच हैज ऑकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर शील ऑन 30 जून 2014, विल योर आंसर बी डिफर इफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी हैज हेल्ड ऑन, पर क्वेश्चन क्या है, एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग अपॉइंटमेंट, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा कैजुअल वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर का सवाल है, ठीक है, तो 30 जून को रिजाइन किया था शीला ने, 30 जून को रिजाइन किया तो 3 मंथ्स और द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, 30 जून मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, तो 30 सितंबर तक अपॉइंट हो सकता है, तो यहां तो हमने 10 सितंबर को अपॉइंट किया है, तो क्या ये शीला का अपॉइंटमेंट वैलिड है, तो आई कैन से यस इट इज अ वैलिड अपॉइंटमेंट, कोई दिक्कत नहीं। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द बोर्ड मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 8 नवंबर, नो आंसर इज सेम, क्लियर है कंसेप्ट, तो एक बार नीचे हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, वन वुमन डायरेक्टर का अप्लीकेबिलिटी, एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर आपको चाहिए रूल 3 के हिसाब से हर लिस्टेड कंपनी में, पेड अप शेयर कैपिटल जिस कंपनी का 100 करोड़ है और टर्नओवर जिस कंपनी का 300 करोड़ है, अगर कैजुअल वैकेंसी होती है इंटरमीडिएट वैकेंसी नॉट लेटर देन 3 मंथ्स और बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, फिर यहां पे मेंशन किया है शीला का वैकेंसी कॉस्ड ऑन 30 जून, तो बोला गया है कि आपने इसको अपॉइंट करना चाहिए 29 सितंबर तक के, क्लियर है कंसेप्ट, 30 जून को हुआ है तो 29 सितंबर नहीं 30 सितंबर, बिकॉज ठीक है 30 सितंबर कर देना, 3 मंथ्स मिलते हैं ना पूरे, तो जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में और बोर्ड मीटिंग द आंसर विल रिमेन्स द सेम, क्लियर है कंसेप्ट, ये चीज को आपने याद रखना, ठीक है। अगला 21, स्काई लिमिटेड लिस्टेड कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट एंड इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ वुमन डायरेक्टर अराइज ऑन 15 जून, 15 जून से 3 महीने, ठीक है, तो क्या होगा 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, ठीक है, एडवाइज अ कंपनी टू फिल द वैकेंसी ऑफ द कंपनी इन अ बोर्ड मीटिंग 14 अगस्त, कर सकते हैं, हालांकि आपके पास तो 15 सितंबर तक का समय है, तो देखो आंसर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 3 महीने एंड्स ऑन 15 सितंबर, आफ्टर क्रिएशन ऑफ वैकेंसी द वुमन डायरेक्टर इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 14 अगस्त, आउट ऑफ दीज टू डेट्स 15 सितंबर एंड 14 अगस्त विच एवर इज लेटर विच इज 15 सितंबर, सो इट वुड बी सफिशियंट कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन, दस कंपनी में फील द वैकेंसी
ऑफ वुमेन डायरेक्टर इन अ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 14th अगस्त और एनी सब्सिक्वेंट मीटिंग टू बी हेल्ड टिल 15th ऑफ सेप्टेंबर. क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन नंबर 22, इन एक्सवाई सिमुलेटेड इंटरमीटेड वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर ऑन 15 जून. रिपीट सवाल, ठीक है, सेम आंसर आएगा. और इन्होंने 14th अक्टूबर बोला है. ओके, यहां 14th अक्टूबर बोला है, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग ही 14th अक्टूबर है, तो क्या 14th अक्टूबर का अपॉइंटमेंट वैलिड होगा? यस, बिकॉज व्हिचएवर इज लेटर है, व्हिचएवर इज लेटर है, तो 15 सितंबर और 14th अक्टूबर, व्हिचएवर इज लेटर, तो 14th अक्टूबर को आप अपॉइंट कर सकते हो. आंसर थोड़ा वैसा चेंज होगा. मैं चाहूंगा इस आंसर को पढ़ लीजिए, वुमेन डायरेक्टर का एक आंसर पढ़ा हुआ होना चाहिए और यह अच्छा है. इसको मैं स्टार मार्क करके रखता हूं. गो फॉर इट फास्ट. चलो, डन एवरीबॉडी, लेट्स गो. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं जा रहा हूं, आ जाइए. 23, RTP 16, रॉयल लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड एट द मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2015. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी डिसाइड्स टू अपॉइंट इट्स बोर्ड अ वुमन डायरेक्टर एंड रेसिडेंट डायरेक्टर. पहली बात तो बोला है लिस्टेड कंपनी, मतलब वुमन डायरेक्टर चाहिए. एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, स्टेट वेदर मैंडेटरी फॉर कंपनी टू अपॉइंट सच अ वुमन डायरेक्टर. यस, इट इज मैंडेटरी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, बिकॉज इट इज लिस्टेड. वॉट वुड बी आंसर इन द केस कंपनी इज नॉट लिस्टेड कंपनी? नॉट लिस्टेड कंपनी डिसाइडेड नॉट टू हैव वुमन डायरेक्टर, चलेगा, नॉट रिक्वायर्ड, प्रोवाइडेड पेडअप कैपिटल और टर्न ओवर 100 करोड़ और 300 करोड़ नहीं होना चाहिए. वॉट शॉल बी योर आंसर इन द केस कंपनी इन क्वेश्चन इज नॉट लिस्टेड एंड At any stock exchange, the paid-up share capital of the company is 50 crore, not applicable. Turnover of company is 200 crore, not applicable. Not required. ठीक है? So, simple सी बात बोली है. इधर answers में check कीजिएगा एक बार. Same ही answer आएगा. ठीक है? अगला, question number 24. Examine the validity of following appointment. अच्छा, ये सवाल भी अच्छा है woman director का. Mark करके रखता हूँ, क्योंकि काफी content cover किया है इसमें. Examine the validity of the following for appointment with reference to provision. LKG Limited want to incorporated on 5th May. अच्छा, incorporation वाला है. 5th May under Companies Act, Ramanujan was appointed as the first director of the company on board meeting held on 30th September. ये first director का सवाल कहां से आ गया? ये first director का सवाल है. ठीक है, 6 मंथ्स में आपने वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए, सही है, पर ये फर्स्ट डायरेक्टर का सवाल है, ये उसमें सॉल्व करेंगे. ठीक है, 25th, एक्सप्लेनिंग द रेगुलेटरी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द रूल्स देयर ऑफ रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन कंपनीज बोर्ड, स्टेट वेदर BCD कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द फॉलोइंग. ये आईडी का सवाल है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ये हम आईडी के वक्त देखेंगे. तो ये दोनों सवाल पेंडिंग रहे. ठीक है, तो यहां पे आपका 164,
167, 165 एंड 149 सबसेक्शन 1 से लेकर 3 के क्वेश्चनर का डिस्कशन होता है खत्म। क्लियर है कंसेप्ट? सो जिनका क्वेश्चन है डिस्कशन है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए आपके लिए काफी करते हैं, क्वेश्चन है डिस्कशन। जो रेगुलर वाले हैं वो रुकिए, मेरे को आपको क्वेश्चंस मार्क करके देने हैं, जस्ट होल्ड फॉर इट।